नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शैलेंद्र सरस में। यहां पर आप देख रहे हैं कि रात का विषय है और एक ये खूबसूरत सा स्नैक यहां पर निकल आया है। तो ये देखिएगा, अभी गांव के ये बच्चे हैं, घर में इस रहते हैं, ये घर में सांप निकला हुआ है तो ये सब डरे हुए हैं कि ये विषैला सांप है क्या है। तो इसको गांव में प्रायः जो है जिसे कहते हैं करायत, उस नाम से जानते हैं। तो आप लोगों क्या विचार है, कौन सा सांप है ये बोलो? करायत है, करायत है, लेकिन ये करायत सांप नहीं है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सांप बिल्कुल भी विषैला नहीं होता है, इससे डरना नहीं है। अच्छा जी, ना डरना है ना कभी इसको मारना है। तो देखते हैं कि इसको देखो, बहुत आराम से इसको पकड़ा भी जा सकता है। आप देख रहे हैं मैंने इसको पकड़ लिया है हाथ से ही, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि काटने के लिए देखिए ये काट भी रहा है, अभी देखिएगा अगर तो ये देखो काटा इसने, ये देखिए बराबर काट रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कहीं पर भी इसका दांत है? ये हल्का सा देखो ब्लड भी आया है, लेकिन कतई नहीं डरना है। ये देखो बराबर काटने का प्रयास कर रहा है, ये देखिए काट रहा है। तो लेकिन फिर भी ये देखो अब आप समझ सकते हैं कि इसने कितनी बार काटा है, कम से कम 5-6 बार में काटा है इसने। ठीक, कुछ भी नहीं होना है, अगर सांप ऐसे काट भी लेते हैं कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो बराबर ये काट रहा है हमें, कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रायः रात में शिकार के लिए निकलते हैं, शिकार अपना करते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे सांपों को मारना नहीं कभी भी, ये हमारे घर के अंदर के चूहे खाते हैं, है ना? क्यों भाभी जी? जी। तो अब आगे से ऐसे सांपों को मारेंगे कभी? कभी नहीं मारेंगे। ये वही कबको, ये नहीं। हाँ, तो अब देखिए भाई, सांप है, खुला है, आएंगे, लेकिन बस एक निवेदन हमारा सबसे यही है, सांपों को कभी भी मारे नहीं, और कम से कम ये जानकारी करें कि ये सांप विषैला है या नहीं है। आगे से इसको करैत मत कहिएगा, इसे कहते हैं कॉमन वुल्फ स्नैक। क्या नाम है इसका? कॉमन वुल्फ स्नैक है। ये बहुत ही खूबसूरत सा सीधा सा स्नैक होता है, इसमें जहर नहीं होता है। यह होता है? नहीं होता है। अगर होता तो हम अब तक होता है ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। काटना भी बंद कर दिया इसने, कट।